आओ बहन, यहाँ आओ बहन। माइक लो। माइक ले लो। पूछो क्या बात। हाओ क्या बहन। हाँ बिना माइक पूछो। सही बात, सही बात। पूछो ना, ना ना पूछो। चालू है आप हेलो बोलो। चालू है। लोग मेरे पापा को ताने देते हैं कि तुम्हारे बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, काम काज नहीं है, कहाँ से घर में बहुत क्लेश बनता है। और कोई बात? बहुत ज्यादा क्लेश बनता है, बहुत भयंकर। गोपनीय प्रश्न पर क्या पूछना है? जल्दी बोलो। बर के रूप में ठीक, उत्तर चाहिए आप। घर में हैरानी बनी, क्लेश बहुत होता है पूरे परिवार में, विवाह की समस्या, रुकावटें बनी हुई हैं, जो आपने संकल्प लिया वह संकल्प का उद्यापन करवा दें। ये भी हमने लिखा, आप समझ जाएंगे। स्वीकार नहीं संकल्प, मना है एकदम। समझ आ गई? तो बहन ये मंत्र है देवी का, घर का कलेश शांत होगा, हम उपाय कर देंगे, आप नियम शुरू कर दो। आशीर्वाद। उज्जवल आप भक्ति करो, उनको मुंह तोड़ जवाब लगेगा। वहां से भगवती है, अच्छा वहां से भगवती, वहां भगवती देंगे। हाँ हाँ थोड़ा जल्दी करना। दो प्रश्न और, पांच में से दो। जी माँ का वो हम बताएंगे, जल्दी बोलो। और एक और पढ़ो। घर से पांच प्रश्नों की चिट्ठी लिख करके लाए हैं, मां स्वस्थ होगी, दिक्कत नहीं होगी, पितरों के कारण कलेश होता है, बाकी धाम पर। हाओ धाम पर चलो, अंगला भेज दो, वहां भभूति ले लो। आओ पेशी के लिए आना पड़ेगा, ये नियम बता देंगे कैसे आना। राम गुरुजी। हाँ गुरुजी स्वीकार। हाँ 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 बैठाएंगे बालाजी को इसी पे। आप स्वयं शादीशुदा हैं, स्वयं शादीशुदा हैं, छह साल की तुम्हारी बच्ची भी है, फिर भी तुम जो है, एक मिनट
फिर भी तुम जो है उससे विवाह करना चाहते हो और उसके पीछे पड़े हो, पूरा घर तुम्हारे पीछे पागल और बर्बाद है दिन ना रात, और तुम्हारा दिमाग सनका हुआ है। उस लड़की से मेरी बात, क्या ये बात सही है? मैं, क्या ये बात सही है? सच है, सच है, सच तुम्हारी ठठरी, ठठरी न कटा तोरी ठठरी, नहीं नहीं मैंने अब कान पकड़ो, क्षमा मांगो। ये बात अगर सही है साहब, तो फिर हमारा पर्चा, मैंने अब कौन गलत है? नहीं, नहीं, कौन गलत है? देखिए कौन गलत है ये बोल, तुम्हारी बात, कोई प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। अब तुम्हारी ठठरी, अब और मैं बोलता हूँ, मैंने आपसे पूछा था कि उससे मेरी शादी होगी क्या? नहीं, उससे शादी नहीं होगी, मेरी उसको पहले ही मना हो चुकी है, हम दोनों ने पहले ही खत्म कर दिया है। मैंने आपसे ये कहा कि मुझे उसमें लव नहीं दिखाई दिया। क्या पूरी बातें सही? बातें सही जी। अब पर्चा सही जी? माताजी ने बोल दिया, आप तो खुश हो जी? नहीं नहीं, माताजी ने बोल दिया। मैंने आपको कहा वो हिंदुत्व की बहुत तगड़ी भक्त हैं, और अच्छा चलो हिंदुत्व छोड़ो, तुम्हारी बच्ची है, हाँ तुम शादीशुदा हो, हाँ अब तुम ठठरी बरा, कोई बात नहीं। हाँ और सुनो श्रीमान, ये जो ब्रेन है तुम्हारा, ये तुम्हारा सनका हुआ ब्रेन है, तुम दो कौड़ी के पढ़े लिखे हो, और तुम्हें कई, रुको अब हमारी सुनोगे तुम नहीं बोलोगे, सुन लिया तुम्हारा, बहुत नाटक देख लिया, और तुम जो जो बातें बोलते हो होशियार बने रहते हो अपनी टीम में कि हम बहुत ब्रिलियंट हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बागेश्वर धाम में मत फंसना, नहीं तो जो घर बसा हुआ है हम ऐसे कांड भी जानते हैं, जो जो तुम्हारे कांड हैं वो भी जानते हैं, तो तुम्हारे घर में तांडव मचवा देंगे। और सुनो जवाबी नहीं करना है तुमसे, चले आओ, अगर तुम्हें खुलवाना हो तो बोलो और आगे, नहीं तो माताजी की भक्ति और तुम्हारी श्रद्धा, फिर भी हमारा आशीर्वाद कि तुम्हारा ब्रेन ठीक हो और तुम्हें ये कभी प्राप्त ना हो मुसलमान, और बालाजी की कृपा रहे तुम अपनी बच्ची के साथ खुश रहो। माताजी का पूरे घर में तांडव मचा रखा है इसने। अब तुम नहीं, अब माताजी बोलेंगी, छोड़ो तुम छोड़ो, पूरे घर में क्या कर दिया? तांडव मचा रखा है, सबको दुखी कर रखा है। सबको ऐसे ही दुखी करता, मतलब पागल भी है। ठीक है माता जी, हम पे छोड़ो, हम ठीक करेंगे। उसके पापा यहाँ बैठे, उनसे यहाँ बैठा नहीं जा रहा, ये बातें सुन के। इनके पिताजी भी उनको बुलाएं, वो उनको भी बुला लें। माता जी हमारी भक्त हैं, शायद वो ना हो, हैं? नहीं नहीं उन्हें भी बुला लो, कोई भी आपके खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि है ही नहीं खिलाफ, क्योंकि मुझे किसी में दम ही नहीं है, जब सच्चाई है तो कोई टिक ही नहीं सकता है। अब जाओ प्रणाम करो और जाओ, माथा पड़ो, माथा पटको बालाजी, बालाजी हाँ माथा पटको, पटको माथा, हाँ और इधर आओ, अब इधर आओ, अब बैठो इधर बैठो, अब इधर बैठो। आनंद 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 पिताजी, माइक ले लो पिताजी, आप भी माइक ले लो, ये है माइक, पानी पिला दो, आप टेंशन ना लो, आप टेंशन नहीं, की मार दो। नहीं नहीं मार नहीं, मैं मेरे बेटो मैं को नहीं चाहूं रे, अरे मेरो ओ सत्य, नहीं 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 नहीं, आप जो ना करो, जो ना करो, मैंने बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं नहीं, आपका बच्चा हमारा भाई है, ना 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 नहीं नहीं, हमारा भाई है, गलती है हो जाती है बच्चों से, हमारा भाई है, अब हम इसे सुधारेंगे ठोस हिंदी में। हाँ तो कहाँ
ये हंगामा पीस रहा, ये हंगामा पीस रहा, ना होता ना तुम अपने बहन का कल का। नहीं नहीं आप मत बोलो, हमने समझा। आप अब आज से सभ्यता से चलो, इन्हें लेके चलो माता पिता को, हम तुम्हारे साथ हैं। भगवान करे उसकी भी बुद्धि ठीक हो गए। हमारे साथ नहीं, आपके साथ। फिर भी उसका हमारे ऊपर क्यों तुम डाल रहे? वो हम तो है नहीं। किसी ने अगर फ्रॉड किया वो हम तो है नहीं। तुमसे अगर किसी ने रुपया लिया तो वो दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी। अब ऐसे तो लाखों लोग जुड़े, ये लाखों लोग जुड़े, और तुम हमारे पास आ जाए और तुम अगर कुछ करो तो हम थोड़ी उसके गुनाहगार होंगे, कौन होंगे? हाँ 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 बोलो बोलो, ये चालू रखो। मैंने आपसे सिर्फ ये कहा था कि मुझे इसमें वो लव नहीं नज़र आया, और हो सकता है कि ये जो है आपके लिखने का तरीका अलग हो, जो मुझे तो नहीं आया नज़र। बाकी बातें तो बराबर कर दिया हमने, हैं ख़त्म कर दिया। ख़त्म? पहले ही कह दिया था कि मुझे नज़र नहीं आया, किसी और ने कहा तो ठीक है। और अभी कुछ लोगों ने मुझे कहा, एक मिनट एक मिनट, कैमरा करे रहना, ये दोनों जगह पढ़वाना है, ये कैमरा पर भी पढ़ो, स्क्रीन पर भी पढ़ो, यहाँ यहाँ जूम करके, यहाँ यहाँ पर, यहाँ पर काटो, ये दोनों जगह, ये लास्ट का उनका अलग मूवमेंट है। बराबर पढ़ लिया? आया समझ में? नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोलते, बच्चा है वो, बच्चा है, ठीक है। नहीं 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 ऐसा नहीं बोलते, पर बच्चा है ना, समझ है, हो जाती है। अभी अभी आपने कहा था अगर वो आती है तो आने दो महाराज, वो तो हम मजाक में कह रहे थे कि मुसलमान अगर कोई आता है, वो नहीं आएगी, और मैं कोई लेके भी नहीं आता। नहीं वो तो पर्चा कह रहे, नहीं हाँ, मैं भी नहीं लेके आता। हाँ ऐसा कुछ नहीं था, ना लाना है ना उस चक्कर में पड़ना है। और दूसरी बात, ये जो तुम मन बनाकर आए थे किसी के कारण हमारे लिए, तो ऐसे लाखों लोग जुड़े, ये कभी भी ऐसी गलती लौट कर नहीं करनी चाहिए, ऐसे लाखों लोग जुड़े इसमें। सुनो, रुको रुको भाई, शांति रखो, शांति रखो, शोर ना मचाओ। इनका दिमाग सनका हुआ था, बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, इनके साथ किसी ने फ्रॉडगिरी कर दी थी हमारे नाम से, इसलिए इनको आग लगी हुई थी, कैसे भी बाबा को आग लगाएंगे। ऐसा भी नहीं है तुम्हारे साथ फ्रॉडगिरी भाई, कितने 80,000 की हाँ। जो चर्चा हो रही थी हाँ। 80,000 की हाँ, हाँ। तो तुम्हारा हमारा वो बंदा, मतलब हमारा वो शिष्य था, शिष्य हमारा शिष्य, कहाँ का था? बीकानेर का, बीकानेर का, बीकानेर। उसका नाम क्या है? बीकानेर का है और रायपुर में रहता है। अच्छा, और तो क्या नाम उसका जो है हाँ। रमेश पारिक, रमेश तो क्या पारिक। उसके लिए हमने कोई अथॉरिटी दी उसे? नहीं मैं तो ऐसे तो कोई हजारों जुड़े, देखो भाई ऐसे हजारों जुड़े, देखो हजारों जुड़े, अब कोई हमारे नाम से कुछ कर दे तो उसके मतलब ये थोड़ी कि तुम खुन्नक हमारे ऊपर लगाओगे। महाराज मैंने ये कहा, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे नहीं, नहीं करोगे, अब लौट करके इस प्रकार का दिमाग मत लगाना, जाइए जाइए। धन्यवाद। नहीं 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 नहीं, माफी है, माफी माफी दादा, माफी है, नहीं नहीं माफी है हमारी तरफ से, माफ है ना,
बाबा हमारी तरफ से माफ है और भगवान बुद्धि देगा, घर बढ़िया बसे, आप टेंशन ना लें। दिन ना रात ये माताजी दिन ना रात रोती रहती, टेंशन ना लें। जा नहीं नहीं तुम टेंशन, किसके खिलाफ हैं? तो पुलिस ने पकड़ा नहीं, तुम चिंता ना, तुम रोया मत। उसका दिमाग समका, लेकिन हमें माताजी प्रमाण देना था, अगर हम नहीं प्रमाण देते तो ये जो देश दुनिया देख रही ये कौन हनुमान जी पर भरोसा करता? ये तो इनके लिए तो यही बात सही हो जाती कि बाबा गलत है, इसीलिए माताजी हमने ऐसा किया, वरना हमें नहीं करना था, हम ऐसा करते भी नहीं हैं। लेकिन कोई गलत अगर हनुमान जी को बोलेगा हम चुप नहीं रह पाते माताजी, आप चिंता ना करो, वो सही होगा, सुधरेगा, बुद्धि भी ठीक रहेगी और वो वहाँ उसकी वो होनी नहीं है, तुम टेंशन ना। जय सियाराम, जय सियाराम, साधु जी, साधु जी। वैसे हमें समय नहीं गवाना चाहिए था, बेफिजूली का टाइम गया, लेकिन ऐसा नहीं करते तो कई लोगों के दिमाग में कीड़ा रहता हाँ, तो वो कीड़ा मिटाना हमारा धर्म है। और हनुमान जी पर कोई भरोसा नहीं करता, बल्कि माता पिता इनके बहुत सज्जन हैं और ये संके हुए हैं, माता पिता सज्जन हैं, ये बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, और यहाँ तक कि इनके ऊपर तो केसेस भी हैं, बेचारे हैं तो सीधे, पर हो जाते लवेरिया होते ही इतना खतरनाक है, इसीलिए हम कहते हैं भैया लवेरिया लवेरिया में नहीं पड़ना चाहिए। किसी को लव हो जाए तो एक काम किया करो, पूछो क्या, किसी को लव हो जाए तो पूजा पाठ किया करो, पूछो क्यों, रुको किसी को लव हो जाए तो पूजा पाठ क्यों? हकीकत होगी तो मिल जाएगी, बलाय होगी तो टल जाएगी। हकीकत होगी मिल जाए और बलाय होगी तो, इसीलिए जो है पूजा पाठ किया करो, वहां वहां जाना, वहां भभूति वहां मिलेगी। राम, साधु जी। इसके बाद आई बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। ये जो बालक चश्मा लगाए खड़ा है आगे, इसी को भेज दो। हाँ 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 जी श्रीमान जी, आओ माता जी, बहन आओ, रो मत, चुप हो जाओ, इधर आ जाओ, बस बस रो मत, आओ पूछो क्या बात। जय जय भैया, प्राण ना खाओ, आओ इधर आओ, जल्दी आओ बहन, पूछो। माइक ले लो, कहाँ से आई? मैं झुंझुनू से आई हूँ। झुंझुनू से? ठीक है, हिंदी पढ़ लेती, पूछो। परेशान हूँ, मेरा बच्चा बोलता नहीं है, समझता नहीं है, वो इधर। क्या नाम है इनका? पद्मनाभ, पद्मनाभ। पढ़ो। बच्चे को शिथिलता, अंगों में पैर नस, बोल नहीं पाता, ब्रेन का विकास नहीं हुआ, पद्मनाभ नाम है, कृपा हो जाएगी, आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। बराबर आराम लगेगा, कोई भी तंत्र टोटका का प्रयोग नहीं है, झटका भी इसको बनते हैं, बीच बीच में हम झाड़ा अभी लगा देते हैं दरबार के बाद। यो मंत्र है ओम श्रीम एम नमः, तीन माला, ओम श्रीम एम नमः, तीन माला करनी, लहसुन प्याज बंद, धाम की पेशी, बहन जाओ ठीक होगा।
जय श्री राम। जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। वो बालक आया, हाँ हाँ आ जाओ जी जी हाँ। अभी अभी हम दरबार हो जाए। आइए